ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। चालीसा का पांचवां इतवार। चालीसा का ये अंतिम सप्ताह है। हम अगले रविवार खजूर रविवार मनाएंगे, जिस दिन प्रभु येसु यरूशलेम में प्रवेश किए इसराइलियों के राजा के रूप में। ये चालीसा के समय हमें येसु के पीछे उनके उस बुलावे के सुनकर अपना आत्म त्याग करके अपने दैनिक क्रूस उठाकर येसु के पीछे चलने का उस आह्वान सुनकर हम उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। अगले रविवार हमें यरूशलेम में प्रवेश करना है। तो ये अंतिम सप्ताह में हमें ज्यादा मृत्यु के बारे में, आत्मसमर्पण के बारे में हमें संदेश दिया जाता है। आज के तीनों पाठ हमें आज्ञा पालन के बारे में, हमें पद संख्या 20 से आगे हमें जो पाठ दिया गया है इसमें हम देखते हैं कि येसु यरूशलेम में है और वहां कुछ यूनानी लोग भी आए हुए थे, यानी गैर यहूदी, तो उन लोग येसु से मिलना चाह रहे थे। तो येसु कहते हैं कि अभी समय आ गया है, ईश्वर के पुत्र के महिमान्वित होने का समय आ गया है। और येसु कहते हैं कि अभी मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु येसु की महिमा पुनर्जीवित होने में नहीं बल्कि प्रभु येसु की मृत्यु में है। अन्य तीनों सुसमाचार प्रभु येसु के दुखभोग को अलग रूप से हम पर दर्शाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन संत योहन येसु के दुखभोग और उनकी मृत्यु को दूसरे दृष्टिकोण से हम पर प्रकट करते हैं। संत योहन के अनुसार सुसमाचार में येसु सब कुछ जानते हैं और सब पर वो अधिकार रखते हैं और उनके अनजाने में कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ के लिए वो अपने आप को समर्पित करते हुए वहां दिखाई देते हैं। और आज के इस सुसमाचार में भी येसु स्वयं कहते हैं, अन्य तीनों सुसमाचार में प्रभु येसु के गेतसमनी बागी में जो प्राण पीड़ा होता है उसमें येसु जो वाक्य कहते हैं कि पिता यदि आप चाहें तो ये प्याला मुझसे हटा ले, ये बात हम योहन के सुसमाचार में हम नहीं सुनेंगे, लेकिन वह बात यहां इस घड़ी को या इस समय को मुझसे हटा ले, बल्कि वो ये कहते हैं कि क्या मैं ऐसा कहूं, नहीं बल्कि इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। योहन अध्याय 2 में ही काना के विवाह में येसु मरियम उनकी मां से ही ये कहेंगे कि मेरी घड़ी अभी नहीं आया है, मेरा समय अभी तक नहीं आया है, कि ना भी येसु कहते हैं कि वो घड़ी आ गई है, मैं इस घड़ी तक इसलिए आया हूं क्योंकि अभी मानव पुत्र महिमान्वित किया जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा योहन रचित सुसमाचार के अनुसार येसु की महिमा उनके पुनरुत्थान पर नहीं बल्कि उनकी मृत्यु पर था। तो येसु अपने मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे थे, वो अभी यरूशलेम में है वास्तव में, तो वहां वो अपने आप को तैयार कर रहे थे अंतिम दिनों के लिए। और आज के दूसरे पार्ट में हम इब्रानियों के नाम पत्र में हम सुनते हैं कि हमें ये जानकारी लेखक देते हैं कि येसु ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद उन्हें आज्ञा पालन सीखना पड़ा। हम जानते हैं कुछ सीखने के लिए हमें किसी के पास जाना पड़ता है, जैसे आजकल हमारे लिए स्कूल है तो कोई जगह कोई गुरु होना चाहिए। तो येसु आज्ञाकारिता कहां से सीखे? लेखक कहते हैं कि उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। तो वो कक्षा है दुख का, येसु की प्राण पीड़ा का वो कक्षा, वहां से येसु आज्ञा पालन सीख लिए। यदि हमारे किसी के कहने को मानने में कोई दुख नहीं होता है, हमें कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी इच्छाएं त्यागने की जरूरत नहीं है, तो आज्ञा पालन बहुत साधारण चीज हो जाती, बहुत आसान हो जाता। लेकिन आज्ञा पालन सीखने के लिए या आज्ञा का पालन करने के लिए हमें कभी कभी अपने आप को देना पड़ता है, जैसे येसु अपने आप को देकर हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए येसु कहते हैं जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वो अपना आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, यही उनका कक्षा।
उनका स्कूल जहां हम आज्ञा पालन सीखेंगे। और इसलिए यीशु एक उदाहरण देते हैं। यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। हम देखते हैं कि एक बीज मिट्टी में बोए जाने के पहले उसका रूप, मिट्टी में बोए जाने के बाद, मिट्टी के अंदर रहते समय और अंकुरित होकर बाहर एक नए पौधे के रूप में बाहर आने के बाद उसका रूप। यीशु भी हमसे यही कहते हैं। यीशु के जीवन को भी हम ऐसे देख सकते हैं। यीशु अपना आत्मसमर्पण किए, वे मरना स्वीकार किया, आज्ञा पालन वो अपनाए और एक बीज के समान मिट्टी में गिरे, वो दफनाए गए, लेकिन पुनर्जीवित होकर एक नए रूप धारण करके, रूपांतरित होकर महिमा के साथ वे पुनर्जीवित हुए। आज हमसे भी यीशु यही कहते हैं कि हम भी एक बीज के समान हम मिट्टी में गिरे, हम वहाँ हमारा रूप बदल दिया जाएगा, हम मरकर वहाँ सड़ जाएंगे। जैसे एक बीज मिट्टी में गिरकर उसका रूप बदल जाता है, वो सड़ जाता है, वो मर जाता है, लेकिन एक नया जीवन, एक नया रूप धारण करके अपना कर वो बाहर मिट्टी के बाहर आता है। वो एक प्रकार से पुनरुत्थान का एक चिन्ह है। और इसी के बारे में आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा हमसे एक भविष्यवाणी करते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 में हमें आज का यह पाठ के द्वारा ईश्वर कहते हैं कि एक नया विधान हमारे साथ करना चाहते हैं। वो नया विधान किस प्रकार का होगा? अन्य विधानों से वो अलग रहेगा। हम ईश्वर और मनुष्यों के बीच का जो अलग अलग समय, अलग अलग रूप का जो विधान किए गए थे, आदम से लेकर राजा दाऊद तक का जो विधान हम देख सकते हैं अलग अलग रूप में, वो सब विधान बाहर लिखे गए थे, उनको बताया गया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर जो नए विधान की बात कर रहे हैं, ये नए विधान के नियम ये लोगों के हृदय में अंकित किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। यहां किसी को बाहर से शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी से पूछने या किसी की सुनकर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये नए विधान के अनुसार ईश्वर की इच्छा हमारे हृदय में अंकित किए जाएंगे। ईश्वर कहते हैं, मैं अपना नियम उनके अभियंदर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। तो यीशु का जो पद, यीशु का जो रास्ता यही था। यीशु को बाहर से कोई कहे नहीं थे, उन्हें नहीं बताया कि यीशु का क्या करना चाहिए। वो हमेशा पिता के साथ जुड़े रहे और उनके अभियंदर में पिता की जो बातें वे सुनते थे वही वो करते गए। आज हम जो प्रभु यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं, यीशु के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा में हैं, हमसे भी ईश्वर आज यही कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में अपने नियम को मैंने अंकित कर दिया है, लिख दिया है। हम ईश्वर के उस नियम को जो हमारे अभियंदर में लिखा गया है उसको पहचानने के लिए हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें नम्र बनना है। यीशु स्वयं कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं, मैं विनीत हूं। हमें भी नम्र और विनीत बनना, ईश्वर के अधीन होना और ईश्वर की बात सुनना और उसके अनुसार जीने के लिए एक बीज के समान अपने आप को बोने वाले के हाथ में अर्पित करने की जरूरत है। जो चालीसा के इन अंतिम दिनों में जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें एक कृपा दें कि हम यीशु के समान आत्मसमर्पण करके लाचारी से नहीं बल्कि प्रेम से
हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित करें, ताकि हम भी एक बीज के समान बोए जाकर हम भी रूपांतरित होकर यीशु के साथ मरकर दफनाए जाकर एक नई प्राणी के रूप में यीशु के साथ पुनर्जीवित होने की कृपा ईश्वर हमें दें। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें।